हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी अभियुक्त की रिहाई जेल से कैसे होती है, किस प्रकार की उसकी रिहाई होती है और क्या क्या उसके रिहाई में करना होता है आदेश के बाद। देखिए, किसी भी मामले में अगर अपराधी जेल में है, अभियुक्त जेल में है, तो उसकी रिहाई आदेश के बाद भी फंसी रह जाती। कभी कभी आपके सामने ये प्रश्न आया होगा या आपके सामने ये स्थिति सिचुएशन कंडीशन आई होगी। आपको बताते चले कि किसी भी अपराध में जब अभियुक्त जेल में जाता है तो उसकी बेल अप्लाई की जाती है। बेल पे जो जमानत मिल जाती है, बेल में जो ऑर्डर हो जाता है कि इसको जमानत पर रिहा किया जाए, तो सिर्फ उस ऑर्डर पे ही आपको रिहा नहीं किया जाता है, बल्कि उसके अलावा भी प्रोसेस होता है। दो जमानतदार दाखिल करने होते हैं, वो जमानतदारों का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद थाने से वेरिफिकेशन होता है, अगर तहसील का कागज लगा है अर्थात खतौनी लगी है खेत का जमीन का, तो वो वेरिफिकेशन आ जाने के बाद कोर्ट में, मान लेते हैं आपकी कोर्ट में, चूँकि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस है हमारी, तो मान लेते हैं सेशन आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी थाने को ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं घूरपुर, JM 3rd के यहाँ है, तो भले ही बेल हाई कोर्ट से हुई हो, सेशन से हुई हो, कहीं से भी हुई हो, लेकिन जो रिहाई होगी वो आपकी लोअर कोर्ट में ही दाखिल करना होगा, लोअर कोर्ट से ही होगी, अर्थात जहां रिमांड होता है अभियुक्त को, जेल जहां से भेजा जाता है, रिहाई वहीं से होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद नैनी जेल से अभियुक्त को कैसे बाहर किया जाएगा। अगर बेल हो जाती है उसके बाद वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तो मान लेते हैं अदालत आपकी है थाना घूरपुर JM 3rd, तो JM 3rd के रिहाई के लिए आपको करना क्या है, जो जमानतदारों को आपने दाखिल किया था, जब वेरिफिकेशन हो गया तो उनको आना पड़ेगा JM 3rd के न्यायालय में, वहां पे उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई कर लेंगे कि भाई ये जो जमानतदार हैं वो जमानत लेने के लिए सक्षम है, जी ये जमानत ले सकते हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे जज साहब, वेरिफिकेशन के बाद की स्थिति क्या होती है आपको हम बताएं कि वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जमानतदारों का काम खत्म हो जाता है, अब बनती है रिहाई। वो रिहाई जब बनती है तो रिहाई बनवाते समय ध्यान क्या देना होता है कि जो नाम पता अभियुक्त का, जो नाम पता धारा लिखा हो, जैसे एड्रेस जो लिखा हो, वो रिहाई में सेम होना चाहिए, अर्थात जो परवाना जेल में भेजा जाएगा उस पे सेम होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हुई, चाहे वो सेक्शंस में हो जाए या फिर अभियुक्त के नाम में हो जाए, बाप के नाम में हो जाए, एड्रेस में हो जाए, अर्थात कह लीजिए कि किसी भी चीज में कोई त्रुटि हुई, तो जो परवाना नैनी जेल जाएगा, अर्थात जो जेल में भेजा जाएगा रिहाई, उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो जो लिस्ट लगती है जेल में, अब आ जाइए जेल की तरफ, जब जेल में आप जो जेल के गेट पे लगती है लिस्ट अभियुक्तों को छोड़ने की, कैदियों को, तो वहाँ जो लिस्ट लगेगी वो पूरी रहेगी, सबका नाम रहेगा, लेकिन जिस पे लाल कलम चल जाएगी, लाल से टिक कर दिया जाएगा, उसकी रिहाई अर्थात उसका जो बाहर निकलने का काम है वो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल स्याही लगने का मतलब है उसकी रिहाई में कोई ना कोई त्रुटि है, जो उसकी रिहाई आई है उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, चाहे वो धारा में, चाहे नाम में, अभियुक्त के नाम पता में, किसी भी चीज में कोई ना कोई त्रुटि जरूर पाई गई है। तो नए अधिवक्ता बंधु हमारे ध्यान दें कि जब भी रिहाई बनवाएं, या तो सामने रिमांड रखकर बनवाएं रिमांड से, अब चूंकि बेल भी फाइल करनी चाहिए रिमांड के ही अनुसार, रिमांड आप देख लें, जो रिमांड में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल फाइल करना चाहिए, तभी अभियुक्त को छोड़ा जाएगा कारागार से, नैनी जेल से, वरना उसकी रिहाई रुक जाएगी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।